अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद रेहान, एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप के ब्लॉकिंग के बारे में। यूएई में व्हाट्सएप को दोबारा से ब्लॉक कर दिया गया है। पिछले कुछ घंटों से या पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज सामने आ रही थी कि सऊदी अरेबिया में और जो है वो यूएई उसमें व्हाट्सएप को जो है वो अनब्लॉक कर दिया गया है। अब आप कॉल भी कर सकेंगे और आप जो है वीडियो कॉल भी कर सकेंगे और वॉइस कॉल भी कर सकेंगे। दोनों ऑप्शन जो है वो अलाउ कर दिए गए हैं, आप ये दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों बाद जो है वो यूएई की गवर्नमेंट ने दोबारा से इसको ब्लॉक कर दिया है। और अब फिर से ही वीडियो जो सेंड करके और फोटोज को सेंड करके और मैसेजिंग पर ही गुजारा करना पड़ेगा। जो है वो लाइव कॉल या लाइव वॉइस कॉल जो है का जो ऑप्शन है वो खत्म कर दिया गया है दोबारा से। तो व्यूअर्स, अब आप कॉल नहीं कर सकेंगे अगर आप यूएई में है, या यूएई में अगर कोई रहने वाला जो है वो किसी भी दूसरे कंट्री में कॉल नहीं कर सकेगा इस, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे ब्लॉक कर दिया गया है। तो व्यूअर्स, फाइनली मैं ये कहूंगा कि ये अच्छा एक डिसीजन नहीं है। बहरहाल फिर भी अगर यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला किया गया होगा। बहरहाल अगर कोई भी शख्स उनके उस कंट्रीज में जहाँ पे ये ब्लॉक कर दिया गया है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई भी शख्स जब इंटरनेट से कॉल करता है तो वो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पहले इंटरनेट का पैकेज लगवाता है, उसके लिए वो पे करता है। और फिर अगर उसको ये अलाउ कर दिया जाए कि वो वहाँ इंटरनेट के जरिए कॉल कर सके, तो इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल ये गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहती है तो वो इस तरह के इकदाम करती रहती है। काफी ज्यादा गवर्नमेंट जहाँ से उन्हें ज्यादा अर्निंग होने के चांसेस हो तो वो कर सकते हैं। अब अगर उनकी डील हो जाती है व्हाट्सएप के साथ या जिस तरह फेसबुक मैसेंजर वगैरह से कॉल या ईमो वगैरह से कॉल बंद है, तो अगर उनकी इन कंपनियों के साथ डील हो जाती है और वो कंपनीज इनको पे करती हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए या कुछ भी, मतलब पे करती हैं इस वजह से कि आप हमारी कॉल जो है वो अलाउ कर दें तो हम आपको इतना पे करेंगे, तो इस सूरत में दोबारा फिर जो है वो अलाउ किया जा सकता है, वरना कोई चांसेस नहीं है कि दोबारा से इसको अलाउ कर दिया जाए। तो व्यूअर्स, फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।